रिश्ता और पौधा ऐसा चीज हो जोन की ओके हमरे लगाबर दाली से यदि मल जल न धा जाते मुरझा सकला। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में स्वागत बा। हम संचालक राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ते आप ये कार्यक्रम हर एक दिन इतने समय से देख सकल जला, जिमें हमारे के समाज के विकृति विसंगति हमरे हटाएगा करे फ्री और हमरे कोनो भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कैसे कही सकल जला और तमाने व्यक्ति से कोनो भी क्षेत्र में जौन सफल व्यक्ति बाटी वहाँ से हमरे विचार भी रखल जला ताकि हमरे भी वो स्थान तक पुग सकल जला और हमन के जौन है पहले के चाल चलन बा ओके भी हमरे उजागर करे कोशिश कर जला। काल के मतलब कि हमन के जौन आजा पुरखा बाटी आजा पुरखा रहने और पहले कैसन कैसन पहरत रहने और वो सब अपन हरेक जौन दैनिक जीवन में कैसन कैसन वस्तु प्रयोग में ल्यात रहने जिससे हमरे कह सकल जी कि पहले और आज के तुलना में आज हमरे इक्कीसवीं शताब्दी कह के हमरे कंप्यूटर कह के चिन्ह जला ते पहले और आज के तुलना में एकदम फरक बा। उतना समय में हमने के आज पुरखा के समय में पाला में देखल जाती ते उतना समय में ते हमरे जो लकड़ी यानी कि काठ के बर्तन रहे और हर एक चीज़ हमारे काठ के प्रयोग कर जाती यानी कि खाना हमरे वह काठ के बर्तन में खाल जाती जे कि हमरे डुकनी कह के कहाल जात रही और ऐसे हमरे कुछ समय पहले कुछ वर्ष पहले भी जो न काठ के प्रयोग में ल्यात रहने खेत जोते के भी काम लगत रहे। ओकर बाद में हमरे जो न डोली कह के बुझल जी जो कि शादी के समय में दूल्हा और दुल्हन बैठत रहने और ओकर जगह पर आजकल हमरे बाइक यानी कि कार यानी कि गाड़ी यूज कल जला प्रेम में लानल गया ते उतना समय में हर एक चीज़ है लकड़ी के होत रहे और माटी के बर्तन भी उस समय में रहे। माटी के बर्तन में उस समय में हर एक जो न कामकाज में लानत रहने जिसे माटी के जो न बर्तन रहे माटी के बर्तन में भुजा भुजनहा और तमाने चीज़ पकेनहा चलन रहे। ओकर बाहे के जो हमरे आजकल चापाकल यानी कि पाइप कहाल जी हैंड पाइप और हमरे धारा के पानी प्रयोग में लाने जला बाकी उतना समय में अक्सर कह के कुआँ के पानी पियत रहने ते आजकल सब लोप हो चुकल बा बकिन का फिर हमरे कहीं जो है संग्रहालय बा ते उस संग्रहालय में पहले के जो हमन के आजापुर का रहने कौन कौन चीज़ प्रयोग में ल्यात रहने और कैसन कैसन विषय वस्तु प्रयोग करत रहने हमरे देखे सकल जी। ऐसे हमरे बातचीत कल गल बा लुमिनी सांस्कृतिक नगरपालिका सोनबर्षी जोन की वहाँ लुमिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नाव सोनबर्षी में अवस्थित थारू संग्रहालय के विषय में आज हमरे चर्चा कल जी ते हमरे देखे सकल जी यहाँ एक संग्रहालय बा और हमन के आजापुर का कैसन कैसन चीज़ पहरत रहने और कैसन कैसन चीज़ में खाना खात रहने और कौन कौन चीज़ प्रयोग करत रहने जिससे हमरे डिहारी कह सकल जी डिहारी काल के एटू माटी के हमरे बड़वार चीज बर्तन हमरे कह बुझ सकल जी ओमा धान चाउर या हर एक खाना के सामान रखना चलन रहे। ओकर बाहे के जो एकठू छोड़ के बनात रहने के हमरे धुनकी उतना समय में हमन के आज पुरखा कहत रहने ऐसे डोकनी जो कि लकड़ी के बनात रहने ओकर बाहे के जो हमरे डोकवा और डोको कहल के हमरे का बुझ सकल जी नोन या और मरचा रखना एकठू बढ़िया बनात रहने ऐसे और हमरे देखे सकल जी डेलवा आजकल भी कहीं कहीं देखे मिलत बा कुछ मात्रा में बकिन का ढेर लोप हो सकल बा और हमन के जो चांदी के और सोना के गहना हाथ में पहनना और गर्दन में पहनना गटे में पहनना गोड़ में पहनना हर एक किस्म के हमन के गर गहना रहे हमन के आज पुरखा प्रयोग करते रहने बकिन का आजकल हमरे देखे नहीं पाल जला। एकठू एक वर्ष में जो हमरे माघी यानी कि खिचड़ी कार्यक्रम होला यहीं में अब आजकल कहीं के देखे मिलत बा और उतना समय में के जो नाच रहे अलग किस्म के रहे संदेश मूलक रहे और हमरे उतना समय में देखे पाल जी कि हमारे के जो आज पुरखा रहने उस सब खराव जोन की खराव कहते बिल आजकल हमरे चप्पल और जूता प्रयोग में लाने के लिए बा खराव कहते बिल हमारे का बुझ सकल जी लकड़ी के यानी कि काठ के बनात रहने ते ऊ पहरत रहने महिला पुरुष सब प्रयोग में लेने रहने और ऐसे तमाने हमरे पहिरन में हमरे कह सकल जी ते लहंगा जोन की आजकल हमरे देखे पाल जी मॉडिफाई के आजकल पहरत बाटी उहो आगे पाछे नहीं पहरत बाटी कौन भी उत्सव यानी कि पर्व में माघी में ऐसे नाच गान करत के देखा के लिए भर
कुछ झलक हमरे देखे पाल जी। ते इतना समय में हमरे आज एक वीडियो रिपोर्ट बना गिल बा जोन की ई हमन के संग्रहालय के महत्व बुझे सकल जी कि संग्रहालय में हर एक जोन हमन के आशा पुरकार रहने कौन कौन चीज प्रयोग में ल्यात रहने उस सब एक संरक्षण करना हमरे जगह कह के बुझे सकल जी। ते हमन के एक दस्तावेज हो यदि आजकल हमारे प्रयोग में नया लग बात यदि हमन की संग्रहालय में भी उस सब नहीं रहते तो हमारे इस समय में पत्याग भी गारो रहे यानी कि हमन के कुछ मालूम नहीं होते कि हमन के आजा पुरखा कैसन कैसन चीज़ पहरत रहने कैसन कैसन हमन के बढ़िया बर्तन रहे और प्रयोग के ना हर एक सामान हमारे भूल चुकल बाटी। ते एकमात्र हमन के उपाय और संरक्षण करना जगह हो जो कि हमारे संग्रहालय कह के बुझल जला। ते वैसन हमारे तमाम व्यक्ति से बातचीत कर जौन सोनवर्षी में अवस्थित थारू संग्रहालय के ते स्वीकार जा एक वीडियो रिपोर्ट। शिवनाथ थारू मैं लुम्बिनी नगर पालिका सोनवर्षी वार्ड नंबर 9 सोनवर्षी पालिका हो फिर बाद में सोनवर्षी में एहन जैसे थारू संग्रहालय जो बनल बा कारखाना कोनो जाप न हो थारू भरते कारण एक ठू होने नते कारखाना थारू संग्रहालय में बनाया गया बा। कहिए स्थापना कहिए 2063 सावन महीना में स्थापना बा थारू संग्रहालय स्थापना कर गए लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 9 सोनवर्षी में। एक मुख्य उद्देश्य का हो मुख्य उद्देश्य यह मन के हो कि से हमन के दादा बाबा रहने का कहना अपन पुरान सामान जैसे अलोक ना हो करके आज एक संग्रहालय बनला एक ठू कि यहीं यथावत रहा का कहना मन के लेके पहले भी जाना के का कहना कि हमारे दादा बाबा यह प्रयोग कर रहा है। इस संरक्षण कैसे कर जाता है कौन संस्था ये कोई सहयोग के लिए बा पी रहा पाटन बोर्ड नगर पालिका आज वहाँ पहले तो गाबिसा रहा गाबिसा से 25% का कहना हमें लगाने मिलत रहा और टी आर पी का कहना पाटन बोर्ड देते रहा तो माटिक महल पहले रहा जब गाबिसा प्रजातंत्र खत्म भर गणतंत्र लागे शुरू हो तब सब दलीय बैठक में सपिया पर्षद में जाकर हम वहाँ पूछलें कि कोनो अपन जगह जमीन निःशुल्क में दे हो अपन प्रस्ताव रख सका था तो हमें 3 लाख रुपया हम जिला से पढ़ा रही लेकिन पक्की बनाए लिखा पड़ेगा ना अगर ना पढ़ा दिया था ना वारा कार्यालय दिया था का काम सर बनाते ये अथावत के कर विचार रख लगा काम आप ये सब संरक्षण कर जाते हैं हाँ अपने कर बिहार के दिन में कैसे ले जाता है वो हम कौन से साजो कौन संस्था कह दी तो मजगर से का कहना मेरे का संचालन कर जाए का कहना इसे अच्छा तरीका से करा जाए का कहना। मेरा नाम किशन राणा चौधरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 9 थारू संग्रहालय के सदस्य भीमर हो मछली फसाए वाला एक मेड़ी में लगाया जाला तब मछली मारल जाला तह खोल के फिर डेलियम खनियाल जाला ओकरे बाद में ये कौन चीज़ से बनल बा बाँस के बनल बा इो बाँसे खोद दूसरा नंबर इो मेड़ी में लगाया जाला सिको बनला बसोक बनला एक खड़ाई कहला मन के भुआड़ी घथोला वो भी बना सकल जाला पहले के जमाना में ऐसे कर जाते रह गए अब के तो जमाना फर्क हो गए अब के जमाना में दूसर दूसर सामान आए लागल कंपनी निकाल दी अब एक जमाना अपना नहीं रह गई अब जैसे फानी भैल मछली फंस जाला सीधे और बाद में भाई झिमरी भाई यू से मछली मार जाला फेंक के अरे झिमरी हो कोलम फेंकल जाला यहाँ फैला के से फेंकल जाला ओकरे बाद में यहाँ घाई बनावल बा गोटी लागल बा नीचे जाला ओकरे बाद में मछली फंस जाला धीरे धीरे तानल जाला। ये कौन चीज़ के बनल बा रेशम डोरा हम कहल के हो ये जिसे हमरे रेडीमेड पा सकल जाला कि अपने बनावल जाला हमन के अपने भी बना सकल जाला आजकल रेडीमेड भी पा सकल जाला
अपने बनाए जला? पहले अपने बनाए जला तल गया, अपनो उतना टाइम लगा ला, मशीन बनावा ला। जो गोटी कहल गए वो कौन चीज़ के बना ला? गोटी हो लोहा के ही है, धीमा। अब जैसे पानी बहुत बार कुल्ला में बाद में ऐसे होकर रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए ओकरे बाद में यहाँ पाल बा, ये पाल के रास्ता से मछली घुस गई हैं, रात भर घुसी हैं और दिन नहीं जाल जाए, एक निकाल जाए, निकाल के फिर मन कर लगा दिया जाए, एक झाड़ उड़ के मछली रास्ता से निकाल के अगर काम ये हो लम लगेना। और ये बनाए कितना मेहनत लगा? बनाए के हैं अब बाँस चीरो ओका बीनो, अब देखल जाए सब बीनल हो, हाथ से बीनल हो, अपने बीनल लगा लग जाए तीन चार दिन, एक बाँस भी बनाए के हैं छोल हो बनाओ चार दिन लग तक लगी जाए। ये हो खोना यहाँ जैसे भूल भूल रास्ता मोट में बा वहाँ एक लगा दिया जाए, तब वहाँ मछली कोरिया जाए, ऐसे रही नीचे रही कोरिया जाए, वहाँ से निकल नहीं पाई मछली। जब फिर रात भर में मछली पूरा भर जाए, दो चार ठो लगा दिया जाए ऐसे ऐसे दिन के चार ठो बाह जाए तो चार ठो रही तो सोलह ठो हो जाए, सोलह ठो फिर नाम के फिर झार ला जाए मछली। आते जिसे अब एक एक खोंगा कहे गए, खोंगा और धीमर में का फर्क बा? धीमर पहले काली कुला में लगाना हो पानी ज़्यादा रहे तब पर भी काट के पानी मछली पाल के रहे घुसर जाए, ये खोंगा वहाँ काम नहीं करी इतने फर्क बा वहाँ। काहे काम नहीं करी? जैसे अब कुल्ला ढेर पानी जाता है ये भूल में मेड़ी में लगाना हो, वो भी छोट छोट कुलिया में लगाना हो धीमर, हाँ जहाँ पानी के बहाव ज़्यादा बा वहाँ हमारे धीमर प्रयोग कर जला, और जहाँ पानी के बहाव कम बा वहाँ खोंगा। ऐसे नहीं हमारे बेवा भी सुनल जला, ते बेवा कहल के का हो आप जान जला? बेवा कहल के ये खोंगे हो, ऐसे नहीं रहला ये दुई मास के बेवा कहला के खोंगा कहला। ये हमारे कौन कौन चीज़ के बना सकल जला? ये हमारे बाँस के भी बना सकल जाए, और का खड़ाई वड़ाई के भी बना सकल जाए, और बढ़नी सीका ठोला बना दिया जला, ये हो हल्का हल्का मन के जैसे पानी वानी में ये गल के कुल्ला उल्ला बात बा कहीं भी एक ऐसे लगा के ऐसे मछली फंसा के उठा के यहाँ डलिया भी यहाँ करियाओं में रही बांध के उसमें डेली और वहाँ यहाँ किसी मछली जो फसल तो डेलिया में दे दिया जला। ये कौन चीज़ के बना जला? ये डोरक बनाला पहले डोरक बुढ़ावे बनावत नहीं, ये पहले बीनल हुआ थे, आजकल मसहरी चल बा वो भी बीट दिया जाला हो जाला, निमुड़ गई बा तुम कौन के हो गई बा मुड़ गई बा, नहीं तो यहाँ ना मोड़ो तो इसे गोलो भी बा, इसे गोलो भी हो जाए काम एक करी, प्लास्टिक के जाल में भी ऐसे यही में से जलवा काट के गोल के ऐसे बीट दिए हैं, और एक बीनिंग नहीं पड़ी वहाँ बहुत टाइम लगा ला, और जाल से तुरंत सी उड़ के इसे मारे शुरू कर दिए, और बड़ा बड़ा भी बोला ऐसे बड़ा भी बोला वहाँ बड़ा थोड़ा रही ऐसे नहीं पाइप से सिस्टम किशनंद चौधरी दूसरा ना था नौ वाला नंबर नौ गाँव सुंदर सिंह ये हम मन के थारू संग्रहालय कहाँ के पहले के हैं अपन थारू पुरुली के इतिहास जोगा के लिए एक तो अपन पहचान जोगा के लिए कि हमन के थारू बाबा आदिवासी हमन के थारू नून रहने और जौन चीज़ हमें देखल गई रहा गई और वो सब देखते देखते आलोक हो जात बा, देखते देखते एकदम खत्म हो जात बा, जौन चीज़ हमारे प्रयोग कर गई वो एकदम खत्म हो जात बा, एक नाते थोड़ा कुछ भी कुछ जौन है जोगा के लिए जौन बा लड़के बच्चे जौन बाटे वो आके देखिए तो हाँ हमन के दादा बाबा के पाला में ये कुल विभिन्न किस्म के सामान रहे, एक हमन के खड़ाऊँ कहा जाता है दादा बाबा लोग ऐसा नहीं बना के सब प्रयोग करते हैं ऐसा सामान, आज घड़ी विभिन्न किस्म के रेडीमेड वाला जूता चप्पल चली आएगा। कौन लकड़ी के बना लगे भाई? ये सेखुआ के बढ़ात रहा लेकिन फिर भी विभिन्न किस्म के लकड़ी से भी बना सकल जाए जला,
लेकिन प्रशस्त से कुहे रहा साल और ही पहर के रेंगत की आप ठारो नहीं लगत रहे रेंगत के सारा ऐसा हुआ कि थोड़ा पहले जान चीज नहीं लगाई गई वो जरूर थोड़ा ठारो लगी लेकिन लगाने के बाद में हर एक चीज जैसे जूते जूते लगावल जाला तो जूता लगावल जाला तो अपन जरूर जगह बनावाला थोड़ा जरूर दर्द लगाला हाँ तैसे ये हो लगे बाद में थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ में अपन थोड़ा दूर रखा ला उसके बाद में लगाते लगाते अपने लगा के लिए नहीं अपन पालन हम लगाएंगे नून धरे वाला और चीज धरे वाला सामान हो एक काट के हो ऐसा नहीं है काठ एक सामान से हमारे के बहुत प्रयोग होते रहे पहले के जमाना में इतना इतना बड़ा अढ़िया रहे उसमें भात भी करो सल जा उसमें भात भी कहीं के ढकल जा उसमें भात वो खा ले इतना बड़ा बड़ा काट के रहे अब और ऐसा देखा नहीं जाए बुकवा धरे वाला जमा बुकवा रहे ऐसे काठ के दादा बाबा के बनाए की चीज़ हो ये सब प्रयोग हमन के देखल के चीज़ हो प्रयोग कर चीज़ हो जमा बुकवा रखें हमार दिल रखें ये लड़कन के लगाओ चाहे अपने लगाओ आई में सब लगाओ ना दिल आया ये देखल लैला यो अरे हो अरे कहते हो ऐसा ऐसा सामान जौन है हमन के पहले प्रयोग होता रहा ऐसा ऐसा सामान काठे के सामान हमन के प्रयोग होता रहा सर आप तो विभिन्न किस्म के सब सामान आ गई एक नाते परिवर्तन हो गई वही नाते ही जौन है हमन के धन संग्रहालय में रखल गया ताकि हमन के बाल बच्चे या था और केहू आए वाले जे रही तो वो देखी यो देखा जाए यो वे चीज हो यहाँ नून रखा जाए नून हल्दी में नून रखे वाला चीज हो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं चीज जो है लगा के काट के लगा के प्रयोग कर जैसे हमन के हर संस्कृति कला में ही झुमरा नाच गान में ऐसे ऐसे बजा के प्रयोग करे वाला कि थारू भाषा में हमन के कहा जाला मनरा है मनरा है मनरा और ढोलक में का फर्क बा मनरा और ढोलक में अंतर बा सर मनरा ढोलक में तबल दुग्गी में अंतर बा हाँ कहे ढोलक दूसर आवाज़ देला अब मनरा की आवाज़ दूसर अंतर होला ढोलक और मादल में सर ये फर्क बा जैसे उमा खरन भी रखे के लिए ढोलक के खरन छुटे होला आई में थोड़ा ढोलक के थोड़ा मोटम बा आई मादल जो होला मंगल जो होला थोड़ा पतलम होला थारू पहचान कहल के हमन के मनरा हो कहल के झुमरा नाच गान में प्रयोग करे वाला सामान हो ढोल और मनरा में अंतर बा का तबल डुग्गी का ऐसे ऐसे कह के बजावन का सर ऐसे कह के बजावन है तबल डुग्गी ब्याह शादी में ये ऐसे ऐसे बजा के जो है रात भर बजाए ब्याह शादी के टाइम में ऐसे बजावन का ही थी करताल और ऐसे सरांगी लेके जो है वो भेजने का दूजा बार सरांगी सरांगी ऐसे ऐसे एक होता ऐसे कह के बजेंगे ऐसे ऐसे कह के थाल लगाई लाला ओकर बाद नहीं से बना के जौन है तो उनका बजावन है तो हाई कुल ऐठन ऐसे 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 कह के आवाज़ मिलावन है ऐसे कह के बजेंगे आवाज भी नहीं है ऐसे ऐसे कह के ऐसे कह के तो इमा आवाज़ मिलाए वाला ही रहा यहाँ पर करा ऐसे घाम में भी लगा सकल जाए बरसात में भी लगा सकल जाए ऐसे में सब पहले के जमाना में बहुत हम के लोग दादा बाबू बहुत प्रयोग कैल के चीज़ हुई हमारा नाम हरिंद्रायन थारे लुम्बनी शासकीय नगर पालिका सुनवासी नाम थार संग्रहालय से बोले थे इस समारोह में यह हार हो यह जोथा हो यह जोथा जोथा हार यह हेना हो यहाँ अखै हो ये लड़िया हो यहाँ हाल रही ये गज हो यह मुंडा हो यहाँ पुट्ठी हो यहाँ धुरा हो यहाँ मंजा हो यहाँ जोत के ऐसे जोत के लड़िया माँ जैसे पावल जाए
आजकल बस हो गया, ट्रक हो गया, जीप हो गया, पुराने जमाने का हो गया, आजा बाबा दादा ये सब पहले प्रयोग करते रहे। अब नया नया लड़के हो गए, ये सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे पुराना वाला देखे के लिए अच्छा है, चलाएंगे तो मुश्किल हो गया है। अब कहाँ ये सब बना पाई है, वहाँ हाल लगी दो एक है, गज हो पुट्ठी हुई है, मोड़ा हुई है, धुरा हुई है, अखन हुई है। नाम बुद्धिमान चौधरी हूँ, नंबरी संस्कृत नगर पालिका वार्ड नंबर 9 सोलवर सिंह। हर म्यूजियम में पहले जमाने का सामान रखा है, पहलुआ धान भी पहले कूटा थे, इसे यही में पालकी डोलिया एमें दुल्हन दुल्हा बैठ कर पहले बनाए जाते हैं। अब के जमाने में अब जीप हुई है, कार बांध के लेके जाते हैं, अब ये पूरे अलोक हो जाता है। देखा हमारे लिए करते हुए कि यहाँ रखा है दुल्हन दुल्हा बैठ के पहले जमाने लेके जाते हैं, चार ठू कहार बोकते हैं। अब के जमाने में तो अब जीप कार मोटर चली गई है, बस चली गई है, पहले के जमाने में नहीं जाता रहा, हमको रहबे नहीं करा। अब हाई वह फूल फूल लोढ़े वाला एम फूल रखा जाला, धान कुटत रहे ऐसे मुनिया हो बजाए वाला, इसे कपड़ा उपड़ा रखत रहे। हमरे कौन चीज़ कहा जाए, एक झपिया कहा मान रखा जाला, कपड़ा उपड़ा रख पहले जबान में रहबे नहीं करा, बक्सा उक्सा नहीं रात रहा। खैर कहान है दही मथे वाला, कड़ा ये हुई है, पछेला हंसली एक टाइम डाले वाला, छंदी का कहा जाला, सलोनी नूजा कहा जाला, का माला ये हो करधन है, कमर में बांधे वाला मांग टीका हो, बच्चे नहीं बैठता है कमर वाला करधन, ये पुराने जमाने को चानी खो। पुराने जमाने के जाता हो इमा सब दाल पीस के पहले देखी, पहले परंपरा से हमन के ऐसे धान चावल रखे वाला भखारी ऐसा कहा, हमन के कहा के डेहरी हो, कहा के डेहरी हो, हमन के डेहरी कहा जाला, ऐसे बड़ा बड़ा भी रहा, ऐसे छोट भी रहा, इतना बड़ा भी रहा, इससे बहुत दिन चार चार पाँच पाँच गोल धान आटाए वाला ऐसा डेहरी हमन के घर में प्रयोग रहता हो धुनकी काल के कैसन रहा धुनकी वह छोट चीज हो गए तो धुनकी हो गई हमन के ये कुआँ वुआ से पानी पानी खाइल जाता है पहले ही से पहले बैसाख वैशाख में जब पानी कम हो जाते का वो पूरा 10-20 जना मिलते का पानी हाथ से झीक के ही जौन अला बैला रहे तो कचरा उचरा सफा सफा कर जाता है। पानी नहीं सुखाते रहे कभी, पानी नहीं सुखाए सर, अधिक पानी रहेगा सर, अगर इतना खोद दिया जाए तो इतना मोट के निकले पानी का। यहाँ पर बरके देखल गल एक वीडियो रिपोर्ट जोन की हमारे लुमनी सांस्कृतिक नगर पालिका 9 सोनवर्षी में अवस्थित थारू संग्रहालय जोन निर्माण हो चुकल बा और ज़्यादा वर्ष हो चुकल, तो ऐसे हम के एक ही सिक्का हमारे बुझे पड़ी कि हमन के संग्रहालय कहते बिला में हमन के जोन पहले के आजमपुर का रहने, हमन के पहले के जोन व्यक्ति रहने, वो सब बिहान के जो हमन के आवल पीढ़ी बाटी उस सब देखिए कि हमन के पहले के आजमपुर का के साल चलन और पहिरन ऐसे रीति रिवाज का रहे के उस सब यह सोच के जो हमन के बचा के रखले रहने, ते एक से हमरे भी हर एक जगह में जो है आजकल देखा जाते एक संग्रहालय बनाए के अवस्था हमन के देखा जाता, ते एक ही से हमन के शिक्षा पाए जरूरी है कि हमन के पहले के चाल चलन का रहे और आज घड़ी हमरे वो सब देख के नहीं पाल जाते, ते हमरे भुला चुकल बाटी कि पहले के जो हमन के आजमपुर का रहने कैसन पहरत रहने और कहन के
लवाई खाए किसान रहे ओकन के वेशभूषा और सब कौन कौन चीज प्रयोग करत रहने हमारे बल के देखल के लेके वीडियो रिपोर्ट जो कि सोनबर्सी में अवस्थित थारू संग्रह के ते वहाँ के भी धन्यवाद देख चल जाता। ऐसे आप सब देखल गए कार्यक्रम संसद सरोवर आपकी भी धन्यवाद और हमारे के कैमरा पर्सन नारायण की विशेष धन्यवाद देत। हम संचालक राजीव विदा होकर चाहब। नमस्ते।